हेलो फ्रेंड्स, आज मंडे का दिन है। हम लोग अभी 11 बज चुके हैं, घर से निकले हैं पीके स्कूल जाने के लिए, और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं टुकटुक की मम्मी को। और हम लोग अभी देखते देखते आ रहे थे, अचानक दिमाग में क्लिक किया कि भाई मेरे को अपना सेकेंड डोज कराना है, कल लास्ट डेट है। और यहाँ जब अपन कोविन के वेबसाइट को सर्च किए तो भिलाई का कोई सेंटर दिखाई नहीं रहा, दुर्ग में भी एक पेड सेंटर दिखा रहा है क्लिनिक का। तो अपन एक दो दिन और वेट करते हैं, उसके बाद ग्रेस पीरियड जून के 22 तारीख तक दिया हुआ है। बट अपने को जून के 22 तारीख तक कैसे दे रहा है? जून 2022 तो मैं आपका कभी भी करा सकता हूँ। अभी जब स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर कैसे अपन बुक करें? अरे वहाँ बैठे ही नहीं होंगे, उन लोग को डेट देंगे तब उन लोग बैठेंगे सब बॉक्स लेके और इंजेक्शन। बारिश का थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकलर महसूस हुआ, नीचे से नहीं जाएंगे ऊपर से जाएंगे, बिकॉज पहले तो स्कूल जाना है, लौटते में नीचे से आएंगे स्मृति नगर सोसाइटी ऑफ। और चलो, मौसम तो अच्छा खुशनुमा बना हुआ है, सुबह बारिश हो गई अच्छी खासी जिस एरिया में, खासकर बोरसी में हुआ, और रुक गया था जल्दी। तो अभी अपन फ्लाई ओवर ले लिया, और यातुल पर्वत जी नए नए नेता बन तैयार हो रहे हैं हमारे बाद के जनरेशन वाले, हमारे जनरेशन वाले को रिपोर्ट लेके आना था ना, इस एरिया में गिर ही जाता अक्सर, क्लाउडी वेदर बना होता है, एक बजे तक गिरेगा तो रुके रहेगी क्या? एक बजे तक जाते जाते ही गिर जाएगा तो डीपीएस में कहाँ रुकेंगे, तो भीग जाएंगे ना कपड़े, फिर सुखाना पड़ता है। ऑलरेडी घर में कितने कपड़े सूख रहे हैं। और लेटेस्ट खबरों में पेट्रोल का प्राइस आप लोग के यहाँ भी शायद कम हो, हमारे यहाँ सिटी में भी 99.44 रुपये चल रहे हैं, और बारिश के कारण अक्सर अच्छे रोडों में भी गड्ढे बन जाते हैं, जहाँ रोड अच्छे से बना नहीं रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ी चलती रहती है। जल्दी से अपन स्कूल पहुँच के डॉक्यूमेंट दे, उसके बाद एक शेड लेना पड़ेगा। कोशिश तो यही रहा है कि काम निपटा के जल्दी घर आए, पर अगर बारिश बढ़ जाएगा तो अपने को जल्दी आना पड़ेगा। तो आई होप अभी तक के प्रीवियस ब्लॉग्स आपने देखे होंगे, इंजॉय किया होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग जाइए देखिए, और आज के बाद जो नया ब्लॉग आएगा उसमें आप लोग देखोगे कि पुराने प्रीवियस लिंक जो वीडियोस है अलग अलग जगहों के, शहरों के, अपने शहर के पहाड़ पर्वत वाले टूरिस्ट प्लेसेस के सब जगह के लिंक आते हैं, सब वीडियोस मिलेंगे, ब्लॉग्स मिलेंगे। चलो बने रहिए हमारे साथ। हमारे ये सामने एक बड़ा सा ओवरलोडेड ट्रक, नहीं कचरे का डब्बा नहीं है, धान वान का बोरा जा रहा है, धान चावल का, तो ट्रक में लोड करके ले जा रहे हैं, इसलिए गिर ना जा करके पैक करके ले जा रहे, प्लस ओवरलोडेड है। अरे जहाँ फंसा रही है अपना जीन्स का ही है फंस रहा है, यहाँ भी पूरा वाटर क्रॉसिंग बन गया रोड में, बस नाले वाले में बने आराम भी, थोड़ा आराम से चला भाई, बगैर करूँगा वो 8 हाउस के फ्लाई ओवर के बगल से जा रहे हैं, और फ्लाई ओवर नहीं बाईपास के, बाईपास में लगा हुआ है एक ट्रक, शायद खराबी आ गई होगी, थोड़ा सा रुक गया है, और ऐसे गिर सकता है कभी भी आप पर आकाश में देखो मेघ बने हुए हैं, एक जो होगा और कंपार्टमेंट के साथ बारिश भी हो सकता है। यहाँ फिर थोड़ा सा स्प्रिंग में लग रहा है, स्पार्कलिंग स्पार्कल हो रहा है, और आगे फिर हमारा फिर गठा नुमा रोड आ गया गवर्नमेंट टाउन के अंदर से जाने के लिए, द ग्रेट इम्पीरियम होटल एंड रिसोर्ट। इस बार दुर्गा पूजा से पहले यहाँ कुछ आयोजन नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले साल हुआ था और नवरात वगैरह का भी आयोजन हो जाए तो बढ़िया, उनको तो वैसे बाहर नहीं ले सकते, जिनको लेना रहता वो ले अपना फोर व्हीलर अपना वहाँ बचा बचा के जगह लेके चल रहा है। साइड में ऐसी रोड्स की हालत खराब हो गए, यहाँ पर डामरीकरण की बहुत तेज़ी से ज़रूरत है,
आगे यहाँ का रोड भी माफ ले जाता है, जो कि ब्लॉक कर दिया गया अच्छा खासा रोड है, उसको भी हाईवे में चला दें और इसीलिए एक्सीडेंट वगैरह ना हो रोकने के लिए सहायक होती है। बट नीचे वाला रोड थोड़ा वाला रोड बच्चे बना और कोरोना फैलाने से रोकने के लिए तो गेट्स वगैरह भी बंद करके सिर्फ कॉलोनी वाले ही आना जाना करें। पास ऐसी एक और गाड़ी है, सारी खड़ी है और ऐसी एक और गाड़ी भी खड़ी है रहती है एकदम महिंद्रा पास जैसे लोग हैं। इस रोड में आने का मन नहीं करता बट अच्छे चक्कर में आ जाते हैं तो पूरा जुर्मानी का वहाँ के आना पड़ता है। रोड में शायद साथ पूरे ब्रेकर बने हुए हैं, अच्छा है ब्रेकर रहना चाहिए क्योंकि उत्पटान गाड़ियाँ आती स्पीड में सडन इम्पैक्ट होगा, एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है। नहीं थोड़ा सा ऐसे ये करके रखते हैं ताकि लोग स्लो जाए, इसे थोड़ा खोल देंगे तो दो तीन इंच स्पीड जाते रहेंगे। कार में जब जहाँ भी सब तक पक्षियाँ जा रही है स्लो हो जाते हैं, बार बार ही ब्रेकर होकर चलते हैं और ये आखिरी ब्रेकर गाय लोग चौक बना के बैठे रहते हैं टेम्प्रेरी। यहाँ भी दो दो बछड़े गाय खड़े हैं। लीकेज दूर वाले रोड में आ गया लगभग, बस मन करा चाह रहे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज पार हो जाए। वीडियो को यहाँ थोड़ा सा अपन विराम देते हैं, लौटते हैं फिर बनाएंगे और सोसाइटी ऑफिस जाना है फिर उसके बाद घर जाएंगे। अपन बने रहिए। लीकेज दूर के सामने बैठा हूँ गाड़ी में, बेटी गई है मेरी अपनी मम्मी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के लिए, मैं यहाँ वेट करता हूँ उसका आ जाएगी। फिर अपन यहाँ से स्मृति नगर सोसाइटी ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर पानी का और मेंटेनेंस टैक्स का ऐसा देना है लगभग 3,000 रुपये। अच्छा लगते बड़ा चलो 2 मिनट तो काम था, हो गया। मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा और हो गया। चलो बोली तो घर चले जाओ कि कहीं बोली तो मैं सोचा था थोड़ा घूम लेंगे गणेश झांकी बाकी गांव का देख लेंगे और ब्लॉग भी बना लेंगे, बट फिर सोचा छोड़ो यार देखो घर को भी जला के कोई मतलब नहीं और रेनकोट लिए नहीं है, भीग भीग जाएंगे साथ में पानी चौक होते हुए चलेंगे। तो फिर आज तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है आगे जाते जाते और भी इसलिए और वैक्सीन का तो अपने को अभी कुछ शेड्यूल मिला ही नहीं, मतलब तो लोकेशन ही नहीं ट्रैक हुआ, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जब होगा एक दो दिन में देखते रहना पड़ेगा, उनको सिलेंडर लगाना होगा तब तक जा पाएंगे घूमने दूसरे स्टेट में जहाँ कंपल्सन आ गया सब डोज लगा। देखो क्यों कुचल रहा था जिसको दिखा नहीं, सामने बछड़ा बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं कि बछड़ा अचानक आ गया उसके उठा तो बाद में उसको लगा बोल के उठा, वो खुद अंधे टाइप चल रहा था क्या सोचते हो कि बछड़े के ऊपर चढ़ा दिया। कॉलोनी का ब्यूटी साई मंदिर खाली बाड़ी अब चाल शुरू होएगी पितृपक्ष के दिन से, ये भी है ऐसे लोग वहाँ यहाँ करते हैं। कल ये मंदिर नहीं आया है, यहाँ पास में आते हैं और लोग को करके जाते हैं, तो यहाँ रोड साइड में काली बाड़ी रखते हैं। दुर्गा पूजा भी टाइम है इसमें लोग कुछ करते हैं ऑफिस पर बिल और मेंटेनेंस टैक्स ये तो बहुत से स्पास में चाहिए ना भीतर जोन है। हाँ तो चलो हो गया सोसाइटी का वेलफेयर काम, पैसा दिए भी और थोड़ा बचत भी हो गया सालाना एक साथ एक कर दिए अपन। तो नेहरू नगर शॉर्टकट से चलते हैं फिर बहुत घूमना पड़ता है। आगे चल के एक फ़ोन करना है, फ़ोन कर लेते हैं फिर
ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, बने रहिए। फिर आप फ्लाई ओवर में मिलेंगे, पवेलियन वापस घर को चले। उसकी मम्मी का भी छुट्टी होने में 2.5 घंटा लगभग होता है, मतलब घर आने में 3 घंटा लग जाएगा। मेरे चार खट करके आवाज़ आए तो कहीं ऐसे जगह पैर तो नहीं रख रही है, आवाज़ क्यों आता है? अभी तो कोई खड्डा रोड भी नहीं है जहाँ से अपन एंड और उसके तरफ आता है। चेन का भी हो सकता है, चेन तो पूरा सेट नया है भाई। तो शिव जी का दिन है, शिवाय जय श्री शंकर। शिव मंदिर नेहरू नगर का, यहाँ पर पानी चढ़ाया जाता है, पास रखे हुए लोग आते हैं, सोमवार को भी आते हैं और आज दिनों में भी आते हैं। हमारे नेहरू नगर चौक से सब गाड़ी घोड़ा कैसे चलाते हैं, कार बचा बचा के चलाएंगे। एक जन गड्ढे में उतार देखे तो दूसरे जन तो आ गए टॉप तक फ्लाईओवर के। ये अपना नेशनल हाईवे 6 हुआ करता था, अभी नेशनल हाईवे 6 बदल गया, इसका नामकरण कुछ और हो गया है, पता नहीं कौन सा नेशनल हाईवे बन गया। अभी ये 43, 53 या 44। तो वहाँ पर मैं बचपन में मोरेट ऑफिस के छत में एक बार चढ़ा था, और यहाँ से पूरा भिलाई दूर तक दिखता है पूरा। अभी और चढ़ने को मिलेगा नहीं, वैसे भी वो ऑफिस बंद ही टाइप से, और यहाँ से प्लांट का पाइप दिखता है चिमनी वगैरह दूर से, और वो भी ये हाइटेड जगह है, वो थोड़ा सा दिखता है। जूम लेंस लाएंगे कैमरा तो अच्छा दिखेगा जूम में। बाकी पेड़ पौधे भी हैं, काफ़ी हरियाली है ऊपर ऊपर तक, इसीलिए भी हमारा टाउनशिप और कॉलोनी दिखता नहीं उतना ठीक से। ये पास पास का दिख रहा है 77 आ रही बस यही तक। और अभी हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स है, बट अभी वो एग्जीक्यूट करने में समय लगेगा, खुद के स्कूल के एग्ज़ाम्स हो जाए, फिर रिजल्ट है, चेकिंग होंगे, टीचर्स को हफ्ते भर का टाइम मिलता है चेकिंग के बाद, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन, उसका दुर्गा पूजा आने को 15-10 दिन ही बचा रह जाएगा। एग्ज़ाम कब तक चलेगा? 29 तारीख तक, 18 तक चलेगा, 25 को पेपर फिनिशिंग है ना। हाँ। और रिपोर्ट कार्ड का, रिपोर्ट कार्ड के लिए हमें पेटीएम लगता है। हाँ। वो तो ठीक, पेरेंट्स को रिपोर्ट देना पड़ेगा ना, इसीलिए पेटीएम होगा। तो रिपोर्ट कार्ड 28 को होगा या 30 को? मतलब जानबूझ के ऐसा प्रोग्राम सेट किए है कि एग्ज़ाम पहले भी ख़त्म हो जा रहा है हफ्ते भर में, पर चेकिंग में 7 दिन देना ज़रूरी है और रिपोर्ट कार्ड देते देते और 5 दिन 12 दिन वहाँ एक्स्ट्रा ले ले रहे, 30th तक फीस दे रहे हैं, ताकि टीचर चाह के भी भाग ना पाए कहीं, क्योंकि 1 तारीख से 15 के बीच और कुछ कुछ नए क्लास का जिम्मेदारी रहेगा, नया मतलब सिलेबस पढ़ाना शुरू होगा, तो चाह के भी टीचर भाग नहीं पाए। देखते हैं, इसीलिए अभी कहाँ जाना है नहीं जाना है रिवील करके कोई मतलब नहीं, जाना हो पाएगा भी कि नहीं इतनी जल्दी, और एकदम पूजा के माथे पे अगर जाएंगे तो उस समय एक्स्ट्रा छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज अपन आ गए सेंट्रल एवेन्यू चौक तक के, और यहाँ से अपने को तो बोर्सी जाना है, तो अपन अब ब्लॉग को एंड करते हैं। भीड़ भाड़ रास्ते का आपको क्या क्या दिखा है, गणेश जी दिखाते पर यहाँ पौधा ढक के रखते हैं, मतलब बनाए ही ऐसा है कि आदमी बीचों बीच ना आए तो देख नहीं पाए। चलो ब्लॉग के लिए आपका इतना ही, अब दोपहर को तो कहीं जाना नहीं है, शाम को निकलना होगा तो सेकेंड ब्लॉग आगामी ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। बाय बाय, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखें।